एक्टर महेश मांजरेकर को धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। 25 अगस्त को मांजरेकर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के नाम से उन्हें धमकी भरे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं। महेश मांजरेकर ने बताया था कि एक व्यक्ति उन्हें मैसेजेस करके धमका रहा है और उनसे 35 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। अब मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। महेश मांजरेकर ने दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 1993 में मुंबई के सिलसिलेवार विस्फोट के दोषी अबू सलीम के नाम पर उन्हें कोई धमकी दे रहा है। महेश ने बताया कि धमकी देने वाले शख्स ने खुद को अबू सलीम के गिरोह का बताया है। मामले में एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 32 साल के एक शख्स को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है। मांजरेकर को जिस नंबर से फोन आया वो इसी शख्स के नंबर से रजिस्टर किया गया था। मुंबई पुलिस की टीम जांच कर रही है कि क्या इस शख्स का सच में अबू सलीम से कोई जान पहचान है या सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में इसने अबू सलीम का नाम लिया था। महेश मांजरेकर ने संजय दत्त की फिल्म वास्तव का निर्देशन करके लोगों का दिल जीत लिया था। अगर उनके करियर की बात करें तो एक एक्टर होने के साथ साथ महेश मांजरेकर निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। बॉलीवुड में उन्होंने वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड और रेडी जैसी फिल्मों में फैंस का दिल जीता है। बाकी महेश मांजरेकर फिल्मों में एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। महेश मांजरेकर हमेशा से एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, मगर फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाकर अपने पैर एक्टिंग में उन्होंने जमा लिए। एक्टिंग में उन्होंने डेब्यू किया था साल 2002 में आई फिल्म कांटे से। मल्टी स्टारर फिल्म काफी पसंद की गई थी, जिसके बाद इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान उन्होंने बना ली। अब ये जान लीजिए कि महेश मांजरेकर की बेटी भी फिल्मों में आ चुकी हैं। बेटी का नाम है साई मांजरेकर, जिन्होंने सलमान खान की दबंग 3 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बाकी ये खबर यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।